आपसे जरा राहुल गांधी के बारे में ये समझना चाह रही हूँ कि 30 जनवरी को ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने एक महिला नहीं कई महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो चैन की नींद सो गए क्या? अगर ये कह दिया गया पुलिस समक्ष बोलिए तो राहुल गांधी ये कहकर चुप हो गए, उसके बाद उनके उनको नहीं लगा कि नहीं इन महिलाओं को कैसे न्याय मिले? अर्पिता जी आपने देखा, आपको मालूम है क्यों? मैं तो कह रहा हूं कि जो पुलिस ने नोटिस दिया उसका उत्तर दिया जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। हम कहा ना कह रहे हैं, इमोशनल थी मुझसे। ठीक है सापरा साहब, एक और बात बता दीजिए, 30 जनवरी को दिया गया बयान, आप पुलिस के पूछने पर अब उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले इस पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे, ये बताइए क्यों? उनको किसी ने रिश्तेदार ने उनको किया है। अर्पिता जी मैंने आपको कहा कि उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी से कहा कि पुलिस को मत बताइएगा नहीं तो हमको और दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप पुलिस जब पूछेगी तो राहुल गांधी कैसे नाम बता लेंगे? ये इंटेंशन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, ये अडानी अडानी का जो मुद्दा आज देश के अंदर, राहुल गांधी कैसे बता लेंगे नाम सर? अब दिक्कत नहीं होगी? नहीं, मैं जब अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, अच्छा। आपको पता चलेगा। ये तो आप अटकलों पर बात अभी कर रही हैं। हाँ। चाची को मूछे होती तो चाचा कहलाती। हाँ। अब अगर प्रश्न पूछे हैं तो ठीक है, उसका उत्तर दिया जाएगा। सर इसी पे मैं भी कह रही हूँ, दर्द अगर होता तो आ निकलती। चलिए मैं जरा यहाँ पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव भी हमारे साथ, उनसे एक प्रतिक्रिया ले लूं। तो सुधांशु जी, सवाल तो पुलिस पर उठ ही रहे हैं, उस पर मैं जवाब आपसे आगे लेना चाह रही हूँ, आपकी जल्दी से ब्रजमोहन जी एक प्रतिक्रिया। देखिए श्रद्धा जी, अर्पिता जी, ये जो मुद्दा है निश्चित रूप से इसमें अगर किसी को जानकारी मिलती है तो उसको जानकारी आगे देना चाहिए थी संबंधित एजेंसियों को, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुद्दा यह है कि 45 दिन बाद आखिर दिल्ली पुलिस ने इसमें एक्शन क्यों लिया? मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक ठग पकड़ा गया है कश्मीर में, किरण पटेल, उसमें पूरी तौर से ये बात सामने आ रही है कि उसको जेड सिक्योरिटी मिली थी। तो जब जेड सिक्योरिटी किसी को दी जाती है तो उसके पीछे मूल कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं उसमें भारत सरकार की भूमिका होती है, भारत सरकार के गृह विभाग की भूमिका होती है। तो उसको कहीं ना कहीं छुपाने के लिए या उस मुद्दे को दबाने के लिए शायद इस मुद्दे को उठाया गया है। दिल्ली पुलिस के सामने एक प्रश्न होता है कि आप राहुल जी से, आदरणीय राहुल गांधी से तो आप बात करना चाहते हैं। वो जो व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया है किरण पटेल, उसके विजिटिंग कार्ड में 35 दिया हुआ एड्रेस यहां का मीनाबाग का, 35 मीनाबाग नई दिल्ली। क्या दिल्ली पुलिस वहां गई, वहां जाके उन्होंने कोई जानकारी ली? राहुल गांधी जी ने तो अपना बयान दिया है कश्मीर में, और दिल्ली पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। 4000 किलोमीटर की उनकी यात्रा है, इस 4000 किलोमीटर के दौर में कहां कहां उनको जानकारियां मिली, तो क्या दिल्ली पुलिस पूरा ट्रैक करेगी? तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि अभी जो दिल्ली पुलिस की ये जो एकदम से सक्रियता है, ये सक्रियता सिर्फ इसी बात को है कि वो जो किरण पटेल पकड़े गए हैं, जो लगातार वहां पे जेड सिक्योरिटी में पूरे कश्मीर का दौरा कर रहे थे, वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, गुजरात से उनका वास्ता है, शायद उस मुद्दे को दबाने के लिए ये कार्रवाई चल रही है। तो इसमें कोई बहुत कोई इसमें मुझे तंत्र नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन सुधांशु जी देखिए, यही सारे सवाल है कि विपक्ष अगर कुछ कह देता है तो तुरंत पुलिस से उसको डराने की कोशिश। राहुल गांधी के इस पूरे मुद्दे पर पुलिस पहुंच जाती है, उनसे पूछती कि अब आप नाम बताइए, यानी वो पुलिस जिसको खुद ऐसे केसेस पर कुछ करना चाहिए, रिपोर्ट दर्ज करके उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए, उसको छोड़ के अगर कोई आरोप लगा रहा है उसी से पूछने पहुंच जाइए, तो ये डराने के लिए नहीं तो फिर क्यों? पिताजी देखिए, ये एक जो नैरेटिव कहा जाता है, ये किसने कहा छोड़ के कार्रवाई? कार्रवाइयां तो सब हो रही हैं, यही मैं कह रहा हूं। एक बार फिर ये गोविल्स ट्रूथ बनाया जाता है कि साहब ये छोड़ के कार्रवाई हो रही है। किसने कहा कि साहब इस केस पे कार्रवाई नहीं हुई, उस पे कार्रवाई नहीं हुई? ब्रजमोहन जी ने जो प्रश्न पूछा उसका भी मैं टेक्निकल उत्तर देता हूं। चलिए, ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी जी इतनी लंबी यात्रा में चले, बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, राजनीतिक लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, नाम नहीं ध्यान रह सकता, मैं मान सकता हूं। हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं, उनका नाम नहीं ध्यान रहता, पर इतना तो ध्यान होगा ना कि ये कहां पे मिली थी महिलाएं। यदि बहुत सारी महिलाएं मिली तो जगह का नाम तो ध्यान होता, कम से कम इतना ही बता देते। और राहुल गांधी जी की इतनी हैसियत है आज भी कि वो किसी भी सरकार में अगर एसपी को फोन करेंगे कि इसका मुकदमा दर्ज करो और इसको प्रोटेक्शन देना होगा, और जैसे कांग्रेस के लोग, और वह बात आप मीडिया पे भी आके कह सकते थे, उसके बाद कोई ये कहे कि भारत का लोकतंत्र, भारत का कोर्ट और भारत की पुलिस, यानी मीडिया में आकर एक नेता के द्वारा उठाए गए बात के बावजूद उन महिलाओं पर कार्रवाई कर देगी,
मेरे विचार से किसी के गले के नीचे नहीं उतरती। और दिल्ली पुलिस क्यों पूछने जाएगी, उसका कारण यह है कि जब इतनी बड़ी यात्रा में चले या तो वो स्थान बताते तो उस स्थान की पुलिस जाती, नहीं तो उनका निवास स्थान जहां है वहां की पुलिस पूछेगी। और कहां डराने की बात है, सिर्फ ये पूछा है कि भाई वो डरी हुई महिला के बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है उस डरी हुई महिला के डर के निवारण के लिए वह व्यक्ति जो कहता है मैं डर के खिलाफ पूरे भारत में यात्रा निकाल रहा था, वो नाम बताने को तैयार नहीं। पूरे फुटेज उपलब्ध है, अरे इनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनिए एक बार, राहुल जी की यात्रा के पूरे की पूरे फुटेज उपलब्ध है। देखिये पुलिस उन फुटेज को नहीं देख सकती है, सारी चीज रिकॉर्ड पे है। मान्यवर ये फुटेज में नहीं बोला गया है, ये तो उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा, अरे फुटेज देख लीजिए जितने लोगों से वो मिलते थे सारे फुटेज उपलब्ध है और पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चल रही थी। तो ये पुलिस भी तो कुछ होमवर्क करे, अब जाके किरण थोड़ा तो किरण पटेल को पकड़वाइए, ब्रजमोहन जी आप जो दिल्ली का पता देकर अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है। लोगों का फुटेज है उसमें कौन आके क्या कर रही है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस के नकारेपन को मैं छुपाई है ढंग से, क्या दिल्ली पुलिस मेरा भाग गई पता लगाने गई कि वो आखिर उसके पास है कि इतना बड़ा व्यक्ति। आप सुनिए जेड सिक्योरिटी की बात, देखिए आपने कैसे मिल गई जेड सिक्योरिटी, राहुल गांधी को जेड प्लस विद एएसएल सिक्योरिटी है। सुनिए जेड प्लस विद एएसएल सिक्योरिटी है जो भारत के गृह मंत्री को किरण पटेल की पूछ रहा हूं सुधांशु जी, और वह व्यक्ति पुलिस को बता नहीं सकता, वो व्यक्ति प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। मगर हकीकत जानते क्या है, इनको अपना भ्रष्टाचार बचाना है इसलिए कोई ना कोई बहाना निकालना है, कभी अडानी का मुद्दा उठाना है, कभी पेगासस का मुद्दा उठाना है, कभी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाना है। मेरे महाराज की बिटिया के 33 हिस्से करके यहाँ पे फेंक दिया गया और दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर पाई। किस पुलिस की आप बात कर रहे हैं, चलिए आप बहुत बड़े दिल्ली पुलिस को इसके लिए जवाब देना चाहिए। अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, अंजलि को देखिए, अंजलि को घसीट के मार दिया गया, क्या कर रही थी दिल्ली पुलिस, अपने टर्न पे बोलिए, लेकिन वहां जाएगी। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए, आपकी सरकार देखिए आप अपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। हाँ तो मैं चरण सिंह सापरा जी से पूछना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं मौनी बाबा अडानी पर मौन तोड़ो, चलो आप मौन तोड़ के बता दो कि 2014 से पहले आप इतने दूध के धुले थे कि आपका कोई केस नहीं था कांग्रेस पार्टी, बताइए एक पार्टी का नाम बताइए जिसपे 2014 पहले पिछले 25-30 सालों में भ्रष्टाचार के केस ना हुए हो और एजेंसियों के चक्कर ना लगाने पड़े हो, बताइए। इनके पास मतलब राजीव जी के जमाने से इनके प्रधानमंत्री घेरे में आ गए, नरसिम्हा राव जी कितनी बार खड़े रहे, मनमोहन सिंह के जमाने में दर्जनों लालू यादव जी सत्ता में से जेल चले गए और पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद करें, इसलिए आपके पास बोलने का तर्क नहीं है, इसलिए आपको ये दिखाना पड़ता है।